हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है फ्रेंड्स? एंट्रोपी का जो फिजिकल मीनिंग होता है वो क्या कहता है? मेजर ऑफ मॉलिकुलर डिसऑर्डरनेस। फिजिकल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी इज मेजर ऑफ मॉलिकुलर डिसऑर्डरनेस। मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई सिस्टम है, लेट्स सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल, कोई सिस्टम है वह प्रॉपर ऑर्डर में रखा हुआ है। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप, दिस इज फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, लाइक दिस समथिंग इज देयर। सो अगर यह ऑर्डर में रखा हुआ है तो क्या होगा? यह इट इज इन सीक्वेंस, एक के बाद आएगा। सो इस टाइप का जो सिस्टम होगा इसकी एंट्रोपी बहुत ही कम होगी, बिकॉज इट इज इन अरेंज्ड कंडीशन, इसमें कोई डिसऑर्डर नहीं है। बट अगर हम इसको ऐसे रख दें, दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू, दिस इज पॉइंट थ्री, दिस इज पॉइंट फोर, दिस इज पॉइंट फाइव, दिस इज पॉइंट सिक्स। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना डिसऑर्डरनेस है। फर्स्ट स्टेप यहाँ है, सेकेंड स्टेप यहाँ है, थर्ड स्टेप यहाँ है, फोर्थ स्टेप यहाँ है, फिफ्थ एंड सिक्स। सो कितना डिसऑर्डर है। तो इस टाइप का जो सिस्टम है इसकी एंट्रोपी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यह अरेंज में है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। सो इस टाइप का जो सिस्टम है इसकी एंट्रोपी कम होगी, बिकॉज हियर जो मॉलिकुलर डिसऑर्डर है वो बहुत ही कम है। ओके, एंड इस केस में क्या है? मॉलिकुलर डिसऑर्डर ज़्यादा है। सो क्या कह रहा है? फिजिकल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी इज मेजर ऑफ मॉलिकुलर डिसऑर्डरनेस। जो इसकी डिसऑर्डरनेस को जो मेजर करता है यही हमारा क्या है? एंट्रोपी है। ग्रेटर द डिसऑर्डरनेस, ग्रेटर इज द एंट्रोपी। जितना ज़्यादा इसका डिसऑर्डर होगा उतना ही जो है एंट्रोपी चेंज उसका ज़्यादा होगा, एंड ऐसे सिस्टम की जो एफिशिएंसी होगी कम होती है। ओके, नाउ ये तो इसका फिजिकल मीनिंग हो गया। थर्मोडायनेमिक टर्म में क्या होता है फ्रेंड्स? एंट्रोपी को फ्रेंड्स डिफाइन करना जो है लिटिल बिट डिफिकल्ट है। दैट्स वाई वी आर डिफाइनिंग चेंज इन एंट्रोपी। सो चेंज इन एंट्रोपी को डिफाइन करना कंपेयर जो है इजी है कंपेयर टू एंट्रोपी को डिफाइन करना। दैट्स व्हाई वी आर डिफाइनिंग चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। सो चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है? डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल। ओके, सो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू चेंज इन हीट ट्रांसफर डिवाइड बाय टेम्परेचर। दिस प्रोसेस इज एट द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर डी क्यू क्या है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी चेंज। डी क्यू क्या होता है? डी क्यू चेंज इन हीट ट्रांसफर। ओके, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड डी एस इज द चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। ओके फ्रेंड्स, यहां से क्या हो जाएगा? सी हियर एंट्रोपी इज डिपेंड ऑन हीट ट्रांसफर, चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड अपॉन चेंज इन हीट ट्रांसफर। इट मीन्स फ्रेंड्स, सी हियर चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीजेज, यहां से क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर, चेंज इन हीट ट्रांसफर। तो क्या होगा फ्रेंड्स? चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीजेज increases with heat transfer,
आर चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीज विथ हीट एडिशन, जितना ज़्यादा हम हीट देंगे उस सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ही इंक्रीज करेगी। चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीजेज विथ हीट एडिशन एंड डिक्रीजेज विथ हीट रिमूवल। ओके फ्रेंड्स, अगर हम हीट एडिशन करेंगे तो ऐसे सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, एंड अगर हीट रिमूव करेंगे तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन एंट्रोपी। गेटिंग फ्रेंड्स, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, ओके, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन, अगर कुछ ले इसमें तो क्या होगा, इट इज डिपेंड ऑन पॉइंट ओनली, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई पाथ है, दिस पाथ, दिस पाथ, सो इट्स डिपेंड ऑन ओनली दिस पॉइंट, इन द पॉइंट्स, दैट्स व्हाई एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, थैंक यू।